नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। यूएनएससी में भारत के निशाने पर चीन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दी सतर्क रहने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ईडी की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग। पाठ्यपुस्तकों में न रामायण और महाभारत को शामिल नहीं किया जाएगा, एनसीईआरटी सूत्र। भारत विश्व कप जीत जाता अगर अहमदाबाद में हुए मुकाबले को लेकर अखिलेश यादव का तंज। मणिपुर मामले का हो राजनीतिक हल, सेना के अधिकारी का बड़ा बयान। शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पारित करें, एकनाथ शिंदे को समय सीमा की याद दिलाते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के लगाए सीरियल बम बरामद। उत्तराखंड, सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को खाने में भेजा गया वेज पुलाव और मटर पनीर। उत्तराखंड के सुरंग में 41 मजदूरों को बाहर निकालने में लग सकते हैं 2 से 15 दिन, अधिकारी। जमीन से 11 फीट हाइट पर 33,000 वोल्ट का तार, चपेट में आए हाथी, 5 की दर्दनाक मौत। राजनीतिक संबंध निलंबन, दूतावास बंद, अफ्रीकी सांसदों ने इसराइल के खिलाफ किया वोटिंग। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च कर दी स्पाई सैटेलाइट, तीसरी बार में मिल गई सफलता। 10 दिन में निकल गया सलमान खान की टाइगर 3 का दम, 250 करोड़ भी नहीं पहुंच सका कलेक्शन। 2 लड़कियों ने घर बुलाया, कपड़े उतारे, वीडियो बनाया और मांग रही 50 लाख। बिहार के पूर्व मंत्री रुशिन पटेल ने ईओयू में केस दर्ज कराया। राजस्थान के हर भर्ती में घोटाला हुआ, डूंगरपुर में बोले पीएम मोदी। राजस्थान चुनाव से पहले जेल से बाहर आया राम रहीम, टाइमिंग पर सवाल, पीड़ित परिवारों ने जताई नाराजगी। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, देखें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।